ये पहले शुरू कीजिए कि ये क्या, ये खाद है? ये केचुए का खाद है हाँ और इसको गाय के गोबर से निर्मित किया जाता है। जी इसमें जो गाय का गोबर होता है सीधा गौशाला से लेके गोबर इसमें नहीं डाला जाता, नहीं पहले इसमें गोबर डालेंगे, कम से कम 10 दिन तक इसमें पड़ा रहेगा, उसके उसके ऊपर पानी डालेंगे, जब एकदम गोबर का टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा तब उसमें केचुए छोड़ते हैं। केचुए छोड़ करके इसको काट फट्टी से ढक देते हैं, फिर इसको 2-4 महीने बाद कोड़ना है, इसको इसकी सिबू करना है, समय समय पर केचुए को रोज चलाना भी पड़ता है, जब वो चलाएगा तब वो खाएगा, हाँ तो इसलिए एक इसको चलाना भी रोज पड़ता है। और ये खाद लगभग लगभग 2-4 महीने में प्रिपेयर हो जाता है। प्रिपेयर होने के बाद ये सूखने के बाद इसको छाना जाता है, छानने के बाद खाद को बोरी में भरा जाता है और केचुए को फिर इसमें छोड़ा जाता है, फिर इसमें खाद डाला जाता है। ये केचुए की खाद की पूरी प्रोसेस है। अच्छा। सबसे अच्छा खाद देश में माना जाता है तो केचुए का, सबसे पौष्टिक और सबसे लाभदायक, और फसल में किसी भी आप उसमें डालेंगे गमले में या फसल में तो उसका आपको तुरंत ही परिणाम मिलेगा। अच्छा, तो इस खाद को आप क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ जाता है खाद? ये खाद को कोई परचेज करना चाहता है तो देते हैं, बाकी हम लोग गमलों में यहाँ अपने खेती में उपयोग करते हैं। ये चक्री खाद है, ये 4 तरह का खाद होता है। इस खाद में हम लोग जो वेस्टेज कचरा निकलता है, सब्जी का कटा हुआ फूल पत्ती ये सब निकले तब इसमें डालते हैं, इसमें गोबर डाल के इसको पैक कर देते हैं। अच्छा। और जब ये नीचे से गिरने लगता है 6 महीने बाद तो इसको निकालना शुरू करते हैं, इसको खेतों में डालते हैं। चक्री खाद है, नेडिप है, नेडिप की यही प्रोसेस रहती है। अच्छा। नेडिप कम्पोस्ट है, इसमें जो हमारे यहाँ का कचरा निकलता है, वेस्टेज कचड़े का कैसे उपयोग करना, तो नेडिप और चक्री खाद के माध्यम से गोबर गौमूत्र से एक सुंदर खाद तैयार करके अपने परिवार के लिए जीविका भी उपयोग कर सकता है, वो घर में अपना छोटा मोटा खेत हो तो यूरिया रहित खेती कर अपने जीवन को शुद्ध सात्विक स्वावलंबी बना सकता है। जी, बहुत सुंदर। देखिए खेती हो रही, यहाँ खेती हो रही,